हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो बनाऊंगी, आज मैं नहीं, हम बनाएंगे। आई हैव विद मी माय हस्बैंड हु विल मेक व्हाट आलो। आज हम बनाएंगे द बेस्ट स्टेक विद द बेस्ट मशरूम सॉस जो आपने आज तक शायद ही कहीं खाई हो। इट्स एब्सोल्युटली डिलीशियस और बहुत आराम से बहुत जल्दी बनती है। मशरूम सॉस में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वो फातिमा बनाएगी, बिकॉज मुश्किल काम ऑफ कोर्स, यू नो। स्टेक में आपको बताऊंगा किस तरह बनती है और हम साथ बनाएंगे मैश पोटैटोज एंड हम मैश पोटैटोज बनाएंगे, उस पर हम चीज डालेंगे तो इट विल बी चीजी पोटैटोज और हम साथ क्रीमी मशरूम सॉस बनाएंगे और ऑब्वियसली हमजा विल मेक द स्टेक। ऑलराइट, दिस इज सुपर इजी, सुपर डिलीशियस एंड क्विक। राइट, लेट्स स्टार्ट। व्हाट डू यू वांट? अच्छा, सबसे पहले हम स्टेक को मैरिनेट करेंगे और हमने कोई फैंसी चीज इसमें नहीं डालनी। वी आर जस्ट गोइंग टू यूज सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, दैट्स इट। ये आप हस्ब ज़रूरत थोड़ा सा इस्तेमाल करें एंड जस्ट मेक श्योर आप इसकी दोनों साइड पर इसको अच्छी तरह रब करें, नाइसली रब ऑल अक्रॉस द स्टेक, पूरी सरफेस पे अच्छी तरह रब कर लें। एंड देन ऑन द अदर साइड एज वेल, अगेन सम सॉल्ट, जस्ट ब्लैक पेपर। थोड़ा सा ज़्यादा अगर किसी एरिया में डाल देता है कोई मसला नहीं, बिकॉज आपने उसको रब करना है इवनली, सो मेक श्योर आप उसको सही तरह रब कर लें ऑल अक्रॉस द सरफेस ऑफ द स्टेक। इस वाली साइड को भी अगर आपने करना है कर लें। देयर इज सम फैट ऑन द अदर साइड, उसको आप बेशक ना करें। सो दिस इज इट। अब इस तरह मैंने अपनी पहली स्टेक की है और आई एम गोइंग टू डू दिस विद टू मोर ऑफ माई स्टेक्स एंड आई एम जस्ट गोइंग टू लेट इट रेस्ट फॉर अबाउट 10 to 15 minutes। तो जब तक हमारी स्टेक मैरिनेट होती है, हम बनाएंगे मैश पोटैटो और हम साथ बनाएंगे सॉस। पहले हम बनाते हैं मैश पोटैटो। अच्छा, मैश पोटैटो के लिए तरीका जो है, एक ये तरीका है आप आलू उबालें, उनको मैश करें, उसमें दूध डालें, मक्खन डालें और उसमें उसको मिक्स करें और आपके मैश पोटैटो बनेंगे। और एक दूसरा तरीका है जो है इजी तरीका, तो मैं यूज करूंगी। दिस इज इंस्टेंट मैश पोटैटो। जब आपको बिल्कुल टाइम ना हो मैश पोटैटो बनाने का, तो दिस इज एन इजी वे। इसमें आपने सिर्फ पानी, थोड़ा सा मक्खन और आपने दूध डालना होता है एंड दैट इज इट। मिक्स करें। एनीवे आपको बताती किस तरह बनाते हैं, लेट्स गो। अच्छा, मैश पोटैटो बनाने के लिए हम पहले अपनी हीट ऑन करेंगे हाई पे और इस डब्बे के इंस्ट्रक्शंस के तहत हम डालेंगे इसके अंदर 1.5 कप वाटर, 1/2 कप मिल्क और 2 टेबलस्पून मक्खन एंड इट इज एज इजी एज दैट। इसको मिक्स करें। जब ये सब कुछ मक्खन पिघल जाए, दूध गर्म हो जाए, फिर हम इसके अंदर इंस्टेंट मैश पोटैटो का सैशे डालेंगे। यानी कि हमारा मक्खन पिघल गया है, दूध भी गर्म हो गया है और इसको मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट लगे हैं। अब हम इसके अंदर ये सैशे डाल देंगे पूरा एंड जस्ट मिक्स इट एंड लुक एट द मैजिक, कितनी जल्दी हमारे मैश पोटैटो बन जाएंगे विद इन सेकेंड्स नाउ। आपको नजर आता होगा कि पिस्ता इतनी जल्दी थिक हो गए हैं और हमारे क्रीमी से मैश पोटैटो तैयार भी हो गए हैं एंड इट इज डन। तो रेमिकन्स मैंने लिए हैं अपने मैश पोटैटो के लिए। इसमें हम ये डालेंगे, ये प्रेजेंटेशन वाइज भी बड़ा अच्छा लगता है। आप अलग अलग जब एक प्लेट बना के देंगे स्टेक की, उसके साथ आप हर बंदे के साथ एक एक ये रख सकते हैं। इसमें 3 रेमिकन्स बनेंगे, फिलहाल 2 डाल रही हूँ जस्ट टू शो यू हाउ इट विल बी। अच्छा, इसके ऊपर अब मैं मोज़रेला चीज़ डालूंगी। ना बहुत है क्योंकि हमने सिर्फ इसको ऊपर से ब्राउन करना है।
इसको भी मैं बेक नहीं करूंगी, इसको मैं बेक तब करूंगी जब हमारा सॉस बन जाएगा, हमारी स्टेक बन जाएगी, क्योंकि इसको टाइम लगता नहीं है। ये हार्डली आपने 5 मिनट ब्रॉयल पर करना होता है इसको, और जब तक गर्म गर्म भी अच्छे लगते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं। तो और हमने जब स्टेक बनानी होगी, उस स्टेक को भी हमने 10 मिनट रेस्ट देना होता है, तो वी हैव दैट टाइम इज वेल। सो वंस वी डन विद द स्टेक, वंस वी डन विद द सॉस, देन वी डू दिस। अच्छा, नाउ वील कम टू द सॉस। मशरूम सॉस जो हमारा है, उसके लिए मैंने 6 मशरूम्स लिए हैं। ये वाले मशरूम होल मशरूम्स मैंने लिए हैं। इसके आप स्टेम्स काट दें और इसको इस तरह पतला पतला काट लें, ठीक है। ये मैंने 6 लिए हैं। फिर हमारे पास बटर है, ये मैं 2 टेबल स्पून यूज़ करूँगी। फिर आपने एक प्याज लेना, बिल्कुल छोटा सा प्याज लेना, उसको आपने बिल्कुल छोटा छोटा इस तरह चॉप कर देना है। देन वी हैव 3/4 कप क्रीम, 1/2 कप पानी लेना है गर्म, जिसके अंदर हम ये बीफ कनौर का बीफ क्यूब है, ये बीफ स्टॉक है, क्यूब है, वो हम इसके अंदर मिक्स करके एक स्टॉक सा बना देंगे, वो भी ईजी करने के लिए हमारे लिए। और ये सिर्फ 1 क्लोव ऑफ गार्लिक है, जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया, दैट इज़ इट। अब हम अपने सॉस की तरफ चलते हैं। मैं अपना मशरूम सॉस बनाने लगी हूँ। उससे पहले मैं अपना जो है अवन, इसको प्री हीट पर करूँगी। इसको 350 पे हम प्री हीट करेंगे फॉर 15 मिनट्स, कि जब तक हमारा सॉस बनेगा, स्टेक बनेगी, तो ये गर्म हो जाएगा, और फिर मैं इसमें अपने मैश पोटैटो ब्रॉयल के लिए करूँगी, डालूंगी, ताकि मैं गर्म गर्म मिले। ऑन अ हॉट पैन ऑन हाई हीट मैं अपना बटर डालूंगी, विच इज 2 टेबल स्पून। जब ये पिघल जाएगा तो इसमें हम अपने मशरूम डालेंगे। बटर मेल्ट हो गए, इसमें हम मशरूम्स डालेंगे अपने सारे, और इसको हम पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल कैरमलाइज नहीं हो जाते और ये नरम नहीं होते और ब्राउन नहीं होते। इसमें हम कोई पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि मशरूम्स अपना पानी छोड़ते हैं, इसमें एक्स्ट्रा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी आप देख रहे हैं कि बटर बिल्कुल अब्जॉर्ब कर लिया इसने, और हम नीचे कुछ भी नहीं है, बट आफ्टर वाइल यू सी कि इसमें ये नीचे चिपकेंगे नहीं, क्योंकि दिस विल रिलीज देयर ओन वाटर। तो 1.5 मिनट हो गया, ये हमारे मशरूम्स जिस तरह हमें चाहिए हो गए हैं। देखें, पहले पानी नहीं था, अब ये सारा वाटर मशरूम्स का है, ये मशरूम ने छोड़ा। इसके अंदर हम अपने प्याज डालेंगे, इनको थोड़ा सा 2-3 सेकेंड्स पकाएंगे। थोड़े से हल्के से ट्रांसल्यूशन से हो जाए, इसके अंदर हम बाकी इंग्रीडियंट डालेंगे। इसमें हम पानी डालेंगे जो हमने 1/2 कप लिया था, और जो क्यूब मैंने बताई थी आपको, हमने 1/2 डालनी है, ठीक है। वो हम इसको हाथ से तोड़ के इस तरह कर दें। इसमें हम कोई सॉल्ट वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि इस क्यूब में ऑलरेडी काफ़ी सॉल्ट होता है, वी डोंट नीड एक्स्ट्रा सॉस, एक्स्ट्रा सॉल्ट। मिक्स दिस फॉर अ वाइल, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। इसके अंदर आप डालेंगे अपने चॉप्ड गार्लिक, मिक्स इट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। एंड एवरीथिंग इज वेल कंबाइंड, दिस इज द टाइम वी विल पुट आवर क्रीम। हमने 3/4 कप क्रीम ली थी, वी लैड दिस। वट एवर आई एम डूइंग, दिस इज ऑल ऑन हाई हीट। अच्छा, इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये हमारा सॉस थिक नहीं हो जाता। तो 3 मिनट्स हो गए हैं, और ये देखें हमारी सॉस थिक हो गई है, दिस इज द कंसिस्टेंसी वी आई वॉन्ट। और मैं इसको निकालती हूँ, दिस इज डन। ओके जी, सो अब स्टेक्स बनाएंगे, और स्टेक्स के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ माई ग्रिलर। इसमें आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई सम बटर, एंड
अब इसमें डालते हैं स्टेक। अच्छा, स्टेक को मैं बना रहा हूँ मीडियम, आई एम गोइंग फॉर मीडियम वेल। सो इसको मैं ऑलमोस्ट 3 मिनट हर साइड पे पकाऊंगा। 3 मिनट से आप कम अगर करेंगे तो रेयरिटी इसकी कम हो जाती है। इफ यू एमिंग फॉर लाइक मीडियम रेयर तो 2.5 मिनट वुड बी इनफ फाइट से, बट अगर मैं जैसे मीडियम वेल पे जा रहा हूँ सो आई एम एमिंग एट 3 मिनट्स एंड माइनस प्लस अ कपल ऑफ सेकंड्स। हमारी हीट अभी हाई पे है। यस, हाई हीट पे है और इस तरह सारा चल रहा है। और ये हाई हीट पे ही पकेगा। मेक श्योर द पैन इज वेरी हॉट व्हेन यू पुट द स्टेक इनसाइड। यस, और इसमें थोड़े से मैं गार्लिक क्लॉव्स भी ऊपर डाल रहा हूँ बिकॉज इससे फिर ज़रा बेहतरीन किस्म का टेस्ट आएगा। ओके, सो 3 मिनट हो गए। अब मैं इनको उल्टाऊंगा टू द अदर साइड और ये आप देख सकते हैं कि कितना आला इसका टेक्सचर बन गया है। Look at that, beautiful. I'm just gonna rub me some more butter on top. And now 3 more minutes on this side. So 3 minute और हो गए हैं। देखें दूसरी साइड से भी क्या जबरदस्त चार आया हुआ इसका, जबरदस्त। अच्छा, मैं अपनी मैश पोटैटो अवन में डालने लगी हूँ। इसे मैं थोड़ा सा पार्सले डाल रही हूँ, इसकी लुक अच्छी आएगी। और इसको मैं फिर अवन में ब्रॉयल के ऊपर 2 से 3 मिनट इसको मैं ब्रॉयल पे रखूँगी जब तक ये ऊपर से सारा चीज़ मेल्ट नहीं होता और ये गोल्डन ब्राउन नहीं होता। ओके जी, 10 मिनट्स हो गए हैं। लेट्स जस्ट कट ओपन द स्टेक और देखते हैं अंदर से कैसा है। ओह माय गॉड, कितने आराम से कट रहा है। जस्ट लुक एट दैट। लाइक आई सेड, मैं मीडियम वेल की तरफ जा रहा हूँ बिकॉज मेरे से कच्ची स्टेक नहीं खाई जाती, बट यू कैन सी दैट देयर इज स्लाइट पिंक इन देयर व्हिच इज परफेक्टली फाइन। सो द स्टेक इज डन और हमारी बेहतरीन किस्म की स्टेक तैयार है। आप देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त उस पर चार आया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स वी आर सर्विंग इट विद मैश पोटैटोज़, चीज़ी मैश पोटैटोज़ एंड ऑफ कोर्स दिस ऑसम लुकिंग मशरूम सॉस, बहुत मज़ेदार है। सो अब आई एम गोइंग टू डिग इनटू दिस और ऑफ कोर्स देयर इज अनदर वे ऑफ सर्विंग दिस और वो मैं आपको दिखाता हूँ। इफ़ यू डोंट लाइक सर्विंग इट होल, आप उसको इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। यू नो, जस्ट कट ऑफ योर स्टेक इन टू स्मॉल पीसेस। और मुझे मेरी बीवी डालने नहीं दे रही, बट आई वुड लव टू एड सम सॉस ओवर दीज पीसेस, सो वो भी मैं डालता हूँ अभी। बट आई एम जस्ट गोइंग टू डिग इनटू दिस और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यूजली मेरी बीवी होती है जो कहती है कि जी आपको बड़ा मजा आया और बड़ा अच्छा लगा और डू ट्राई इट आउट। सो आई एम गोइंग टू ट्राई इट आउट एंड बाय।